वो जंगल हरा भरा था जिसमें रहने वाले सभी पक्षी बहुत खुश थे। कालू कौवा जो दूसरे जंगल से आया था वो हरा भरा जंगल देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो सारे जंगल में एक उड़ान लेता है। इधर उधर सब देख लेने के बाद कालू कौवा एक नदी के पास बैठ जाता है। ये जंगल तो बहुत सुंदर है, यहाँ रहने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ कोई अच्छा सा दोस्त बनाना होगा, फिर मुझे इस नए जंगल में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौवा बैठा ऐसे सोच रहा था कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। सुंदर चिड़िया, मैं कालू कौवा हूँ, आज ही दूसरे जंगल से आया हूँ। मैंने बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला भी बना लिया है। कालू कौवे, आप भी बहुत सुंदर हो, हम आपका इस नए जंगल में स्वागत करते हैं। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी अच्छे दोस्त की तलाश में था, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? हम सभी पक्षी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। मेरा घर वो सामने वाले पेड़ पर है। क्या पक्का लकड़ियों का घर है या मेरे जैसा तिनकों का घोंसला? कौवे भैया, मेरा पक्का लकड़ियों का घर है, आप कल आ जाना, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगी और अपना घर भी दिखाऊंगी। मैं कल जरूर आऊंगा। तो फिर कल से हम दोनों दोस्त भोजन लेने एक साथ ही जाया करेंगे। मैं कल इंतजार करूंगा आपका। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, कालू कौवा भी वहाँ से उड़ता है। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। दूसरे दिन कबूतर, जिसका घर कौवे के घोंसले से थोड़ी ही दूर था, वो कालू कौवे को सोए हुए देखता है। यहाँ पहले तो कोई घोंसला ना था, लगता है ये कौवा नया आया है इस जंगल में और मेरा नया पड़ोसी है। फिर कबूतर अपने घर से मिठाई लेता है और कालू कौवे की तरफ जाता है। उठो उठो कौवे, सुबह हो गई है। कालू कौवा उठ जाता है। मैं कल दूसरे जंगल से आया था, बहुत थका हुआ था, अब ठीक हूँ। वो सामने वाला घर मेरा है। वो पक्का घर? हाँ वही, वो घर तो बहुत सुंदर है। हाँ ये घर मेरे पिता ने बनाया था मेरे लिए, आप मेरे नए पड़ोसी हो, मैं आपके लिए कुछ मिठाई लाया था, ये मिठाई आप खा लें। आप तो बहुत अच्छे पड़ोसी हो, बिना कहे ही मेरे लिए मिठाई ले आए हो। मैंने दोस्ती करने में बहुत जल्दी की, उस कमजोर चिड़िया से मुझे क्या मिलेगा? कौवे क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हम पड़ोसी भी हैं और दोस्त भी, हम रोज मिला करेंगे, एक साथ नदी पर जाएंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा हंसने लग जाता है। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा मिठाई खाने लग जाता है। चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। ठंड के मौसम में तेज धूप बहुत अच्छी लग रही थी। मैं पहले अपने दोस्त कालू कौवे की तरफ जाती हूँ, उसे भी अपने साथ लेकर फिर भोजन लेने जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की तरफ जाती है। दोस्त चलें, मैं आपको लेने आई हूँ। दोस्त? कौन दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? कल नदी पर आपने खुद ही तो मुझसे दोस्ती की थी। मैं भूल गया था कि तुम एक चिड़िया हो, मुझे कुछ नहीं दे सकती हो तुम। मैंने अभी अभी कबूतर से दोस्ती कर ली है, ये देखो कबूतर मुझे मिठाई दे कर गया है। तुम्हारे जैसे पक्षी किसी के दोस्त नहीं होते, तुम एक दुष्ट कौवे हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेइज्जती हो गई चिड़िया,
कमजोर चिड़िया। कालू खुद से ऐसा कहते हुए हंसने लग जाता है। दो तीन दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा कबूतर के साथ ही नदी पर जाता और कबूतर के साथ ही भोजन की खोज में। यार कौवे, कल मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर से आऊँगा, तुम शाम को मेरा भी भोजन लेते आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए भोजन ले आऊँगा। फिर कबूतर अपनी बहन के पास और कालू कौवा जंगल में घूम ने निकल जाता है। कालू कौवा उड़ते हुए जा रहा था कि उसे मीठे मीठे पके हुए अमरूदों की खुशबू आती है। कौवा खुशबू की दिशा में उड़ता है। वो अमरूदों के बाग में पहुंच जाता है। वहां एक तोता बैठा हुआ था। मिठू तोते, क्या ये अमरूदों का बाग आपका है? तो और क्या तुम्हारा है, देख नहीं रहे? मैं ही यहाँ बैठा हुआ हूँ। बहुत खुशबू आ रही है पके हुए अमरूदों की। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही इस जंगल में आया हूँ। आपका घर कहाँ है? बेरी के पेड़ पर। मैं इसी बाग में ही रहता हूँ। जब भूख लगती है अमरूद खा लेता हूँ। बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने बहुत जल्दी की दोस्ती करने में। वो कबूतर एक दिन मुझे मिठाई देकर गया था और आज उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए भोजन लेकर आऊं। मुझसे दोस्ती कर लो, मैं यहाँ बाग में अकेला ही बोर होता रहता हूँ। दोनों मिलकर अमरूद खाया करेंगे। तो फिर आज से तुम मेरे दोस्त। मेरा मिठू दोस्त कबूतर से कहीं अच्छा है। तो ले लो एक अमरूद खाओ और बताओ कैसा है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कबूतर शाम को वापस आ जाता है। वो सीधा कालू कौवे के पास जाता है। दोस्त, मेरे दोस्त, मेरा भोजन कहाँ है? दोस्त, कौन दोस्त? मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारा, जो तुम्हारा भोजन लाऊं। चल भाग यहाँ से, मेरी दोस्ती आज तोते से हो गई है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे पता तो था कि कौवे किसी के दोस्त नहीं होते, मगर मैंने फिर भी तुम्हारा विश्वास किया। ये मेरी बड़ी गलती थी। मुझे डिस्टर्ब ना कर, जाओ यहाँ से। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, आप ये भोजन खाइए, वो कोई दुष्ट कौवा है, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। दूसरे दिन मुँह अंधेरे ही कालू कौवा अमरूदों के बाग में जाने की तैयारी करता है। वो अपने साथ एक टोकरी लेता है और उड़ता है। रास्ते में चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे। वो उनसे कहता है, मैं अपने नए दोस्त मिठू तोते के बाग में अमरूद खाने जा रहा हूँ। आ जाओ अगर खाने हैं। ऐसा कहते हुए कालू उड़ता जाता है। वो अमरूदों का बाग तो चील का है और ये मिठू का बोल रहा है। मिठू तोते ने जरूर इसे उल्लू बनाया होगा। अभी तक मेरा दोस्त मिठू नहीं आया। चलो मैं थोड़े से अमरूद तोड़ लेता हूँ अपने दोस्त के बाग से। फिर कालू अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी भर लेता है और बैठकर मजे मजे से अमरूद खाने लगता है। पीछे से मिठू तोता चील को साथ लेकर आ जाता है। चील ने नया चोर पकड़ा गया, अब मुझे जाने दे। मैंने तो आपका एक अमरूद चुराया था और एक साल से आपका नौकर बनकर काम कर रहा हूँ। और इस दुष्ट कौवे ने तो सारा बाग ही खाली कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिठू, तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर चील कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और उसे नौकर बनाकर उसे अपने खेत में काम करवाती है। नदी के पास अमरूदों के दो पेड़ थे। बाहर का मौसम आने ही वाला था और वो दोनों पेड़ फल देने की तैयारी कर रहे थे।
उनमें से एक पेड़ विशाल था और शक्तिशाली था, जबकि दूसरा पेड़ थोड़ा कमजोर था। अब होगा मेरा और तुम्हारा मुकाबला, देखेंगे कि किस पर ज्यादा और मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, जो मेरे भाग्य में होगा मुझे मिल जाएगा। डर गए? तुम्हारे लिए मुझसे डरना ही अच्छा है, क्योंकि तुम ठहरे एक कमजोर पेड़ और मैं विशाल और शक्तिशाली पेड़। सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन्हें मीठे मीठे अमरूद जो देने वाला हूँ। जो पक्षी अपने घर से भोजन की खोज को निकलता, वो सबसे पहले उन दोनों पेड़ को देखने आता कि अभी फूलों से अमरूद बने हैं या नहीं। तोते भैया, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे इन अमरूदों के पेड़ों पर अमरूद लग जाएंगे और फिर हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी और हमें भोजन की खोज में घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरे अमरूद बहुत मीठे होंगे, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है और आप सब पक्षी खुश हो जाओगे मेरे अमरूद देखकर। विशाल पेड़ भैया, हम सब पक्षी आप दोनों पेड़ों को देखने इसीलिए तो आते हैं। हर रोज हम सब बड़ी बेसब्री से आपके अमरूद बनने का इंतजार कर रहे हैं। परंतु चिड़िया, वो जो मेरे साथ वाला पेड़ है, वो तो इस बार तुम्हें अमरूद नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर है और उस पर फूल भी बहुत कम लगे हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं होता दोस्त, समय बदलते देर नहीं लगती। मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही अमरूद का पेड़। खबरदार, चुप कर जाओ, अगर फिर कभी खुद को मेरे जैसा पेड़ कहा तो उखाड़ कर रख दूंगा तुम्हें जड़ से। अरे अरे, आप तो ऐसे ही लड़ रहे हैं, जब फल लगेंगे तो देखा जाएगा। समय गुजरता गया और फिर एक दिन दोनों पेड़ों के फूलों से छोटे छोटे कच्चे अमरूद बन गए। वाह वाह विशाल पेड़ जी, आप पर तो बहुत ज्यादा कच्चे अमरूद लगे हुए हैं। जब ये सब पक जाएंगे तो क्या शान होगी आपकी, और हर कोई आपसे दोस्ती करना पसंद करेगा। और मेरे साथ वाले पेड़ को देखो जरा, इस पर बहुत थोड़े अमरूद हैं। थोड़े जरूर हैं, परंतु मेरे अमरूद तुमसे ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट होंगे, क्योंकि मैं हर समय अपने मन को खुश रखता हूँ और आप हर समय दूसरों का बुरा ही सोचते रहते हो। कौवा दोनों की लड़ाई देखकर बहुत खुश होता है, वो थोड़ा और मसाला लगाता है। चुप कर जा ओ कमजोर पेड़, अगर हमारे बड़े पेड़ जी को गुस्सा आ गया तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ऐसे वो कमजोर पेड़ डर के मारे चुप कर जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे पेड़ जी, आप क्यों रो रहे हो? मेरा पड़ोसी हर समय मेरा मजाक बनाता है, मैं कमजोर हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? आज फिर कौवा और विशाल पेड़ मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे। आप चुप कर जाए कमजोर पेड़ जी, हम अभी जाकर विशाल पेड़ से पूछते हैं। विशाल पेड़ जी, आप अपने पड़ोसी से प्यार से क्यों नहीं रहते? इससे पहले के पेड़ कुछ कहता, कौवा तुरंत बोलता है, चलो भाग यहाँ से, कमजोर को कमजोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तुम भी तो उस पेड़ जैसी ही हो, छोटी और कमजोर चिड़िया। मैं शक्तिशाली हूँ, इससे बड़ा हूँ, फिर मैं क्यों ना घुमंड करूँ अपनी ताकत का, अपने फलों का। जो जलता है मुझसे जले। और हाँ चिड़िया और तोते, अगर तुमने भी मेरे साथ मिलकर उस कमजोर पेड़ का मजाक ना बनाया तो इस बार मैं अपना एक अमरूद भी तुम्हें नहीं दूंगा। जैसा बुरा ये कौवा वैसे ही तुम। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। समय गुजरता गया और फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और मौसम बहुत खराब हो जाता है। मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, आसमान पर गहरे बादल हैं और मुझे लग रहा है आज रात तेज हवा भी चलेगी, इसलिए हमें आज रात जाग कर गुजारना होगी और खुद को हवा के जोर से बचाना होगा। वाह वाह कमजोर पेड़, बड़े भाषण दे रहे हो।
भाषण नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे मम्मा पापा बताया करते थे कि जब फल लगने के करीब हो तो तेज हवा का मुकाबला करने के लिए रात को जागते रहना और अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखना, क्योंकि हमारे फल तेज हवा से गिर भी सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हारी तरह ही कमजोर होंगे। ऐसा कहते हुए वो विशाल पेड़ हंसने लग जाता है। रात हो जाती है और वो विशाल पेड़ गहरी नींद सो जाता है। वो तो ऐसे खराटे ले रहा था जैसे घोड़े बेच कर सोया हो। परंतु उसका पड़ोसी कमजोर पेड़ जाग रहा था। फिर तेज हवा शुरू हो जाती है। हवा बहुत तेज थी और उस विशाल पेड़ की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थी और वो आराम से सोया हुआ था, जबकि कमजोर पेड़ अपनी डालियों को मजबूती से थामे हुए था और वो खुद पर काबू किए हुए था। रात ऐसे ही गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। उठो उठो पड़ोसी, देखो तुम्हें तुम्हारे घुमंड की सजा मिल चुकी है। आपके सारे ही अमरूद पकने से पहले ही गिर गए हैं। वो विशाल पेड़ भी उठ जाता है और अपने नीचे ढेर सारे कच्चे अमरूद देख वो बहुत दुखी हो जाता है। पड़ोसी, जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरे ऊपर कितने अमरूद बचे हैं। केवल एक अमरूद बचा है और वो भी छोटा है। फिर कुछ दिनों बाद सूरज की रोशनी और ठंडी हवा से उस कमजोर पेड़ के सारे अमरूद पक जाते हैं, जिन्हें खाने सभी पक्षी आ जाते हैं। देखा विशाल पेड़, आपने घुमंड किया और आपको आपके घुमंड की सजा मिली। परंतु वो घुमंडी पेड़ तो ऐसे चुप था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। क्या मैं भी आपके थोड़े से अमरूद खा लूं? कौवा ऐसे कहता है तो वो कमजोर पेड़ मुस्कुराने लग जाता है। तो देखा दोस्तों कि हमें कभी भी घुमंड नहीं करना।